डेफिनेटली जब फिल्म का टाइटल बनता है तो लोगों का परसेप्शन उसकी तरफ चेंज हो जाता है, बट इट्स स्टिल अ वर्ड जो कितनी फिल्मों में आ चुका है, अच्छी फिल्मों में आ चुका है, और कभी उसको मिसइंटरप्रेट नहीं किया गया। जैसे विशाल सर ने कहा कि ये वर्ड फिल्म के कैरेक्टर्स के लिए, वाई इज़ इट नॉट कमीना, वाई इज़ इट कमीने, बिकॉज कमीने मीन्स मोर देन वन। तो फिल्म में जितने भी कैरेक्टर्स हैं, शायद एक कैरेक्टर को छोड़ के, वो सभी कमीने हैं, और वो खुद मानते हैं कि वो कमीने हैं क्योंकि यही उनका काम है, इसी तरह से वो अपनी ज़िंदगी भी जिताते हैं। दे आर नॉट वो माफ़ी नहीं मांग रहे कि यार मैं बहुत ख़राब आदमी, नहीं मैं ख़राब हूँ, ये उनका एटीट्यूड है। तो ये फिल्म के एटीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। तो बड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी आ रहा है, आप बोल रहे हैं गाली जैसा और आप बोल रही हैं बड़ा कैची टाइटल है। आई थिंक एक बार फिल्म आप लोग देखेंगे तो आपको बिल्कुल भी ऑड टाइटल नहीं लगेगा। और वैसे भी हम जो ये कमीने जो लफ्ज़ है, मुझे लगता है कि इसको हम किस तरीके से यूज़ करते हैं उस पर इसका असर होता है। आप किसी को प्यार से अच्छा भी कहें तो वो भी गाली लग सकता है, और अगर बहुत मोहब्बत से कमीने कहिए तो वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। आई थिंक इट्स अ वर्जन ऑफ बदमाश, इट्स अ वर्जन ऑफ ये बहुत तेज़ आदमी है, बदमाश आदमी है, कमीना है। तो इसको आप नेगेटिवली भी ले सकते हैं और इसको पॉजिटिवली भी ले सकते हैं। आई थिंक इट्स यूज वेरी नॉटली इन द फिल्म। आई थिंक फिल्म का एक फ्लेवर है, मैं फ़ो को फ़ो बोलता हूँ। अब ये जो लाइन है इसमें एक सेंस ऑफ ह्यूमर है, फ़ो को फ़ो नहीं बोलेगा तो क्या बोलेगा, उसके बाद वही लाइन आती है। तो इस फिल्म का एक सेंस ऑफ ह्यूमर है जिसकी वजह से इस फिल्म को इस तरह बनाया गया। सो इट्स नॉट फोर्स्ड, इट इज़ समथिंग विच विशाल सर फेल्ट एंड व्हेन ही टोल्ड अस इनिशियली, हमने बोला अच्छा, बिकॉज एज अ टाइटल अजीब लगता है, बट व्हेन यू सी इट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द फिल्म देन आई डोंट थिंक इट इट्स इन। इसमें हम लोग बहुत प्यार से कमीना बुला रहे हैं और अपने आप को कमीना बुला रहे हैं। बहुत ही इंट्रोस्पेक्टिव काइंड ऑफ टाइटल ये है, और इसमें जो गुलजार साहब ने जो इसका टाइटल सॉन्ग है तो उसकी लाइनें हैं, मेरी आरजू कमीनी, मेरे ख्वाब भी कमीने, एक दिल से दोस्ती थी ये हुजूर भी कमीने। तो हम लोग अपने अंदर जो एक कमीना इंसान बैठा हुआ उसको ढूंढ रहे हैं, और आई थिंक कमीने लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी होते हैं। आई थिंक इस फिल्म के बाद कोई ये मानेगा नहीं कि एक्चुअली तारे ज़मीन पे की स्क्रिप्ट अमोल गुप्ते ने लिखी थी, और या तो वो ये नहीं मानेंगे कि अमोल गुप्ते हैं। बट आई थिंक ही इज़ अ वेरी वेरी, जैसा विशाल सर ने कहा, इज़ अ वेरी फाइन एक्टर। वो बहुत सालों से थिएटर कर चुके हैं, बहुत सालों से यू नो इज़ अ वेरी एक्सपीरियंस्ड एक्टर। ये शायद लोग जानते नहीं, बिकॉज पीपल नो हिम फ्रॉम तारे ज़मीन पर, एंड इट वॉज वंडरफुल वर्किंग विद हिम। आई थिंक ही इज़ रियली रियली डन अ फैंटास्टिक जॉब। मुझे लगता है कि हम लोगों ने अपनी फिल्म में इतना एब्यूज़ कर दिया है महाराष्ट्रीयन गैंगस्टर्स को, और इतना कि सब कुछ कोई नया एक्टर और नया कैरेक्टर ढूंढना बड़ा मुश्किल काम है। तो कैरेक्टर तो मैंने नया लिख लिया, पर मुझे उसे एक्टर अनसीन चाहिए था कि जिसको देख के ये बिलीव हो जाए कि हाँ ये वो कैरेक्टर है, ये वो एक्टर कोई, और नोन फेस के साथ वो एक प्रॉब्लम होती है। तो वो एक क्रिएट करने के लिए आई वॉज लुकिंग फॉर अ न्यू पर्सन, एंड वी फाउंड अमोल, ही परफॉर्म ग्रेट एक्टर। इस फिल्म के अंदर हमने कुछ प्रोपोगेट करने की कोशिश नहीं की है, बिकॉज ये फिल्म है, इट्स अ फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट। लेकिन इस फिल्म का जो कैरेक्टर है, जैसा सर ने कहा गुड्डू, वो एक एनजीओ में काम करता है विच स्प्रेड्स एड्स अवेयरनेस, एंड एक सिचुएशन ऐसी थी जहाँ पर ही गोज इनटू अ रेड लाइट एरिया एंड इज़ डिस्ट्रीब्यूटिंग कॉन्डोम्स, एंड थ्रू अ स्टोरी फॉर्मैट, अ कॉन्सेप्चुअल फॉर्मैट, वो लोगों को एड्स के बारे में समझा रहा है। तो इट वॉज द राइट सिचुएशन टू डू इट, एंड इट फॉल्स विद इन द स्क्रीन प्ले ऑफ द फिल्म। एंड obviously vishal sir usually always has something more than just entertainment which he offers to the audiences, to unko laga ki is script mein yahan par iski ahmiyat achhi bhi hai aur shayad justified way mein hum is cheez ko dikha bhi payenge. So I think dhentadan was the uska jo catch phrase hai gaane ka, that is dhentadan, aur gaana bana wo dhentadan phrase ki wajah se, to isliye usko dhentadan ka koi apologetic nahi hai uske bare mein ya koi kami nahi hai usme. I think ye cinema alag nahi hota hai, ये हर डायरेक्टर का अपने दुनिया को देखने का, कैरेक्टर्स को देखने का एक नज़रिया होता है। तो और ये बहुत अच्छी बात है, आई थिंक आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मैंने कुछ ऐसे डायरेक्टर्स के साथ काम किया जिनका एक बहुत ही यूनिक और अलग नज़रिया होता है दुनिया को देखने का, रिप्रेजेंट करने का। बट आई थिंक विशाल सर इज़ द ओनली पर्सन, अगर आप उनकी सारी फिल्में देखें तो यू विल नॉट बी एबल टू से दैट ये सब सेम जॉनर की। हर फिल्म एक दूसरे से अलग रही है, मेड भी, मकड़ी और मकबूल जो एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग हैं, और यू कंपेयर ओमकारा विद कमीने, अगर आप कमीने और ओमकारा देखें तो दोनों फिल्में का सर पैर नहीं जुड़ता एक दूसरे से, इतनी अलग है। एंड देन देयर इज अ ब्लू अम्ब्रेला आल्सो, सो आई थिंक ही इज ऑलवेज डन डिफरेंट काइंड ऑफ स्टफ। कैरेक्टर इंट्रोडक्शन ऑफ गुड्डू, जो कि एनजीओ में काम करता है, एंड वो एनजीओ का काम है एड्स अवेयरनेस के लिए काम करना, जो कि बहुत सारे ग्रुप्स, जब मैंने एक एड्स अवेयरनेस की फिल्म बनाई थी ब्लड ब्रदर्स फॉर मीरा नायर, तो उस वक्त जब मैंने रिसर्च किया तो मैं ऐसे एनजीओ ग्रुप्स के कॉन्टेक्ट में आया,
जो कि इस तरह की अवेयरनेस, और पहली बार मुझे पता चला कि इस ये बीमारी हमारे देश में क्या कर रही है और कितना हम लोगों ने इसको क्लोजेट के अंदर रखा हुआ है. वी डोंट रियलाइज हाउ बिग प्रॉब्लम दिस इज. फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग नथिंग हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम द फिल्म. देयर इज नो अब्यूसिव लैंग्वेज इन द फिल्म अप टू माई मेमोरी आई थिंक. इन फैक्ट वी मेड वी केप्ट एन एफर्ट. इन फैक्ट जब मैं विशाल से पहली बार मिला, उन्होंने सबसे पहली बात यही कही कि शायद मैं एक केपर फिल्म बना रहा हूँ, मैं चाहता हूँ हर तरह की ऑडियंस ये फिल्म देखे, एंड देर इज नॉट गोइंग टू बी एनी सच लैंग्वेज इन द फिल्म. To watch more, log on to www.erosentertainment.com.